सो हे गाइस, क्या चल रहा है भाई। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5, और आज हम लोग फिर से एक बार आज से क्या माइकल के साथ। तो आप लोग को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में माइकल और माइकल की टीम ने मिलकर लॉस सांटोस सिटी में सबसे बड़ी गैंग बना ली है। अभी हमारी गैंग में यार काफी सारे बंदे आ चुके हैं, एंड सबसे खतरनाक चीज, हम लोगों के पास एक स्पेशल वेपन आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, और उस वेपन के सामने जो भी आएगा वो बुरी तरीके से मरने वाला है। मतलब अभी माइकल के हाथ से कोई नहीं बचेगा, चाहे वो किलर कमांडोज हो या फिर प्रेसिडेंट हो। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ चैनल बने हो तो चैनल को भी यार जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम लोग ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और पिछले वाले वीडियो में तुम लोगों ने लाइक कंप्लीट कराया ही नहीं यार, तो लाइक भाई कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में यार देखो एक दो दिन लग जाते हैं, और यार तुम्हें लाइक करने में बस 2 सेकंड लगेंगे, तो प्लीज यार लाइक कर देना। एंड इस वाले वीडियो पे हम लोग सबसे ज्यादा लाइक रखने वाले हैं, मतलब अभी तक मैंने इतना बड़ा एम रखा ही नहीं है, तो इस वाले वीडियो पे हम लोग लाइक एम रखते हैं पूरे 35,000 का। मेरे को पता है बहुत ज्यादा है, पर यार तुम लोग अगर एक एक लाइक भी करोगे ना तो आराम से हो जाएंगे, तो इसीलिए गाइज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो, और वीडियो का जो भी बेस्ट पार्ट लगता है कमेंट करके बताओ, कमियां लगते हैं वो भी कमेंट कर देना। एंड हाँ मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वाले वीडियो से अपन लोग शाउट आउट देना स्टार्ट कर दें, इसीलिए बढ़िया बढ़िया कमेंट जरूर कर देना। बाकी यार अभी मैं भाई पॉलिटिशियन के मेंशन के पास आ रखा हूँ, तो मेरे पास एक बंदे का कॉल आया, वो बंदा मेरे लिए पहले काम करता था, तो उस बंदे ने बताया कि यार यहाँ जो पॉलिटिशियन का मेंशन काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, तो प्रेसिडेंट ने ना उस मेंशन को ओपन करवा दिया है, और उसको शक है कि बाहर से प्रेसिडेंट और सिक्योरिटी मंगा रहा है लॉस सांटोस सिटी में, क्योंकि प्रेसिडेंट को पता है कि यार उसने ना फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया, और फ्रैंकलिन को बचाने माइकल जरूर आएगा, और इस बार माइकल अकेले नहीं आने वाला है, माइकल पूरी फोर्स के साथ आएगा। मतलब आज प्रेसिडेंट को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा, प्रेसिडेंट मेरे हाथ से बहुत ही गंदी तरीके से मरने वाला है। और मैं ना अभी एक काम करता हूं, पहले भाई यहां से एक बार चेक कर लेता हूं, उसके बाद ही अपन लोग नीचे चलेंगे। ओके तो गाइज मेरे को यहाँ पे सिक्योरिटी और पुलिस तो नजर नहीं आ रही है। वैसे जो ये वाला एरिया है ना, इस पूरे एरिया में भाई देखो VIP पॉलिटिशियंस रहते हैं, इसीलिए पुलिस काफी ज्यादा रहती है, पर मेरे को पता लगा था कि यार इस टाइम पे ना यहाँ पे पुलिस है ना सिक्योरिटी है, तो मैं आसानी से नीचे जा सकता हूँ। ओके तो एक काम करते हैं, फटाफट से पहले अपनी कार के पास चलते हैं, मैंने अपनी कार ऊपर के साइड लगा रखी है, और हाँ कार को कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड करना होगा, क्योंकि हम लोग कार को लेकर मिलिट्री में चले गए थे यार, पूरी मिलिट्री में तबाही मचाई, वहां से केमिकल लिया, तो इसीलिए सारे लोगों ने अपनी कार को पहचान लिया है, अपन लोग को कार को अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यार कार का ना कलर ही चेंज कर दो, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं, गाड़ी का अगर कलर चेंज हो जाता है तो कलर भी चेंज करा देंगे। और सामने खड़ी यार अपनी प्यारी सी कार, मतलब प्यारी नहीं है भाई, तबाही चलती है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं एंड जल्दी से नीचे चलते हैं। और एक सेकंड यहाँ पे तो कुछ बंदे खड़े हैं। ओके मैंने वैसे अपनी गाड़ी को ना थोड़ा साइड में लगा दिया था ताकि ये लोग देखे ना, क्योंकि पुलिस वालों ने अभी तक तो मेरी गाड़ी के पोस्टर पूरे लॉस सांटोस में लगा दिए होंगे कि जो भी इस गाड़ी का पता बताएगा उसको पैसे मिलने वाले हैं, इसीलिए गाड़ी को थोड़ा छुपा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कार नहीं है भाई, चलती फिरती पूरी तबाही की मशीन है। ओके बहुत सही, ओके रास्ता एकदम क्लियर है, फटाफट से चलते हैं। वैसे जब तक मैं इस गाड़ी में हूँ ना भाई, मेरे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। ओके मेरे को आगे के साइड जाना पड़ेगा गाइस, मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना पहले मेरे को अपनी टीम के पास जाना था, पर अचानक से इस बंदे का कॉल आ गया। और एक सेकेंड गाइस सामने वो खड़ा है बंदा, फटाफट से चल के इससे बात करते हैं। गाड़ी को पहले मैं लॉक कर देता हूँ, पर मैं ना सीधे नीचे जाता हूँ। हेलो हेलो नीचे आजा, नीचे आजा भाई, मैं इससे नीचे जाके बात करने वाला हूँ, यहाँ पे बात नहीं करूँगा। ओके बहुत सही, तो ये बंदा ना मेरे लिए पहले काम करता था जब माइकल लॉस सांटोस का प्रेसिडेंट था। देख रहे हो माइकल को सपोर्ट करने वालों की लॉस सांटोस में कमी नहीं है यार, जैसे आप लोग सपोर्ट करते हो ना वैसे ही लॉस सांटोस के लोग भी माइकल को सपोर्ट करते हैं। तो भाई फटाफट से नीचे आ जाए, जल्दी से इससे बातचीत करते हैं। तो अभी मेरी इस बंदे से यार बातचीत हो गई, और इसने मेरे को काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये बता रहा है कि यार इसको ना प्रेसिडेंट ने सुबह बोला था कि यार यहाँ पे आके घर को ओपन करना है, उसकी साफ़ सफाई करनी है, और वैसे ये बंदा ना प्रेसिडेंट के मेंशन पे ही काम करता है, इसीलिए इसको काफ़ी सारी चीज़ें पता रहती है। और एक चीज़ और बताई है, ये बता रहा है कि यार व्हाइट हाउस पर आज एक बहुत बड़ी स्पीच होने वाली है, इसको नहीं पता कि स्पीच क्या होगी पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ मेरे को पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये
ये बात हम लोग को पता ही नहीं थी, तो मेरे को लेस्टर को ये बताना पड़ेगा। बाकी फटाफट से यार ऊपर आके मेरे को दिखा कि कौन सा मेंशन है जो प्रेसिडेंट ने ओपन करवाया था, क्योंकि हो सकता है कि प्रेसिडेंट लॉस सांटोस के बाहर से और भी बंदों को बुलवा रहा हो माइकल और माइकल की टीम को ख़त्म करने के लिए। और एक सेकेंड, वो सामने वाला मेंशन है क्या? मेरे को अपनी गाड़ी से जाना पड़ेगा। एक काम कर, तू पैदल जा, मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ, क्योंकि इन लोगों के सामने मैं पैदल नहीं जा सकता हूँ भाई, ये लोग पुलिस को कॉल कर सकते हैं। ओके बहुत सही, अभी तक एक सेकंड आराम से भाई। ये देख रहा हूँ बंदा कितनी तेजी से, कौन सा घर है भाई, ये वाला घर है क्या? एक मिनट मेरे को, ओके यही घर है, यही घर है। एक सेकंड, गाड़ी को मैं यहाँ लगाता हूँ। तो इसने अभी सुबह सुबह इस वाले घर का गेट ओपन किया है। ये घर बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है। वैसे यहाँ पे जो पॉलिटिशियन रहता था भाई, वो बहुत ज़्यादा करप्ट था, और तब से ये वाला मेंशन बंद पड़ा है क्योंकि मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। बाकी मेरे को नहीं पता कि प्रेसिडेंट इस वाले मेंशन को ओपन क्यों करवा रहा है। पक्का भाई वो लॉस सांटोस से और सीक्रेट बंदों को बुलवा रहा है मेरे को ख़त्म करने के लिए। एंड एक सेकेंड गाइस, यहाँ अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, मेरे को नहीं पता ये लोग कर क्या रहे हैं अंदर। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, अंदर बहुत ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, अंदर लैपटॉप वगैरह ड्रग्स रखे हुए हैं, चल क्या रहा है? एक मिनट, एक काम कर भाई, तू फटाफट से यहाँ से निकल, तूने अच्छा रहा मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो मेरे को कॉल कर देना। बाकी तू यहाँ से निकल, मेरे को अंदर भाई पूछताछ करनी होगी, और मेरे को उन्हें मारना भी पड़ सकता है। मेरे पास वेपन तो है ना, ओके मैंने गन यहाँ पे निकाल लिया है। मेरे को अंदर चल के पता करना है ये चल क्या रहा है गाइस, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसने इस वाले मेंशन के गेट को ओपन किया था, अचानक से इतने सारे लोग कैसे आ गए? एंड यहाँ पे प्लानिंग वगैरह भी बन रही है, और तुम लोग यहाँ देख रहे हो बहुत ज़्यादा पैसा रखा हुआ है। लैपटॉप में क्या चल रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर अंदर बहुत सारा ड्रग भी है, तो इनसे निपटना तो पड़ेगा ही। एक सेकेंड भाई, मेरे को पहले आराम से अंदर जाना है, इन लोगों से पता करना है कि यार आखिरकार चल क्या रहा है। सो अभी मैंने इन लोगों से पता कर लिया है कि यार आखिरकार ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो गाइस ये लोग ना यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए काम करते हैं, तो ये लोग बता रहे हैं कि यार ये ना इन लोगों का ऑफिस है और यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम चल रहा है। तो मैंने इन लोगों से पूछा कि यार आखिरकार यहाँ पे काम क्या चल रहा है, तो पहले तो इन लोगों ने बताने से मना कर दिया था, पर जब मैंने यहाँ पे इन्हें मारने की धमकी दी तब मेरे को पता लगा है गाइस यहाँ पे ना प्रेसिडेंट के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का काम चल रहा है। तुम लोग यहाँ देख रहे हो, इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा रखा हुआ है। यहाँ तुम लोग देख रहे हो ये लोग पैसे को काउंट कर रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, और ये सारे के सारे पैसे को लॉस सांटोस के बाहर भेज रहे हैं, ताकि जितने भी इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है उसको व्हाइट करके लॉस सांटोस सिटी में प्रॉपर्टी खरीद के प्रेसिडेंट और ज़्यादा अमीर बन जाए। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे को एक बहुत ही तगड़ा प्लान आया है, फटाफट से बाहर चलते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, अगर इन लोग को शक हो गया तो गड़बड़ी हो जाएगी। वैसे भी वो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार मैं कौन हूँ, तो मैंने बोल दिया कि यार मैं प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी का बंदा हूँ, बस यहाँ पे पता करने आया था। तो अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, और गाइस मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्लान आया है, पर उससे पहले मुझे अपनी गाड़ी को साइड में लगाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से अगर किसी ने भी मेरे को पहचान लिया तो दिक्कत हो सकती है। तो एक काम करते हैं, ये जगह एकदम ठीक है, तो गाड़ी को यहाँ पे लगाते हैं, फटाफट से लेस्टर और बॉडीगार्ड को कॉल करते हैं। बॉडीगार्ड को मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के ना पैसे को चोरी किया जाए, क्योंकि यार देखो प्रेसिडेंट के पास ना बहुत सारा ब्लैक मनी है, इसीलिए वो किसी को भी पैसे देकर खरीद देता है, तो क्यों ना उसके पैसे को चोरी किया जाए। और एक बार मैं उसके पैसे को चोरी करूंगा तो पक्का वो गुस्से में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेगा, और इसी चीज़ का फायदा उठाकर हम लोग लॉस सांटोस में उसे फंसा सकते हैं, जैसे उसने माइकल को फंसाया था, और हो सकता है उसकी प्रेसिडेंट की पोस्ट भी चली जाए। और एक बार अगर उसकी प्रेसिडेंट की पोस्ट चली जाती है फिर तो उसे मारना बहुत ज़्यादा आसान है। तो गाइज अभी ना मैं यहीं पे रुक कर भाई नज़र रखने वाला हूँ इस वाले मेंशन पे, और उस बंदे ने यार अपने को काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे दी। वैसे उसे लगा था कि यार यहाँ पे शायद सिक्योरिटी को लाया जा रहा है, पर यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं गाइज, कुछ और ही काम चल रहा है प्रेसिडेंट के ब्लैक मनी को वाइट करने का। तो अभी यहाँ पे फटाफट से पहले मैं यार बॉडीगार्ड को कॉल करता हूँ और जल्दी से यहाँ पे बुलाता हूँ। तो अभी मेरी बॉडीगार्ड से यार बातचीत हो गई, और गाइस बॉडीगार्ड के पास ही लेस्टर था, तो लेस्टर से भी बात हो गई। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार ये तो काफ़ी तगड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल गई है, और अगर हम लोग प्रेसिडेंट के पैसे को चोरी कर लेंगे तो वो गुस्से में आके कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ी करेगा, और इसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो लेसर बोल रहे हैं कि यार माइकल वहीं पे रहे, बॉडीगार्ड को वो कुछ ही देर में भेज रहे हैं, बस थोड़ा संभल के रहे क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लैक मनी आएगा तो जरूर उसके साथ सिक्योरिटी आ सकती है या फिर किलर कमांडोज आ सकते हैं। पर मेरे को डरने की जरूरत नहीं यार, अपने पास स्पेशल वेपन है, अगर यहाँ पे किलर कमांडोज आए तो मैं उनको यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। तो भी मेरे को थोड़ा सा संभल के रहना है, उस वाले मेंशन पे नजर रखनी पड़ेगी। ओके एक काम करते हैं, फटाफट से ऊपर चलते हैं। मैंने अपनी कार को एकदम लॉक कर दिया और कार को मैं एक काम करता हूँ ना यार, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं देखेगा। एंड एक सेकेंड गाइस, मेरे को पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही है। ओके हो सकता है पुलिस किसी के पीछे पड़ी हो, लॉस सैंटोस में काफ़ी ज़्यादा पुलिस होती है। बस मेरे को कोई ना देख ले यार, मतलब मेरे को तो कोई पहचाने ना पहचाने, पर कार को ज़रूर कोई भी पहचान सकता है, इसीलिए कार को मेरे को पहले साइड लगाना पड़ेगा। ओके तो कार को मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे किसी की भी नज़र नहीं पड़ेगी। फटाफट से ऊपर की साइड चलते हैं, शायद ये वाला वो मेंशन था, तो मैं काम करता हूँ ना, अपन लोग इस वाले में जाके खड़े हो जाते हैं। ओके यहाँ पे कुछ लोग हैं, मेरे को छुप के जाना पड़ेगा, इनको पता नहीं। एक सेकंड, आराम से ऊपर चलो। मेरे को ना एकदम ऊपर जाना है। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, बहुत सही, ये जगह एकदम सही रहेगी। मैं यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा अंदर चलते हैं, ये जगह एकदम सही रहेगी, यहाँ पे खड़े होके मैं भाई मेंशन पे नजर भी रख सकता हूँ, जो भी यहाँ पे आएगा जाएगा मैं उसे यहाँ से देखता रहूंगा। ओके तो गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही है। अभी यहाँ पे भाई एक गाड़ी पुलिस की गई है, भाई मुझे नहीं लग रहा पता पुलिस यहाँ पे। एक सेकेंड, एक और पुलिस की गाड़ी आई है भाई, दो पुलिस की गाड़ियाँ उस मेंशन की तरफ जा रही है। एंड एक बड़ा सा ट्रक भी आया है। एक सेकेंड, उन लोगों ने मेरे को बताया था कि यार यहाँ पे ब्लैक मनी आने वाला है, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पुलिस वाली ब्लैक मनी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक और गाड़ी गई थी और यहाँ पे एक और कार गई है, पुलिस वाले प्रेसिडेंट का ब्लैक मनी लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। एक मिनट मेरे को चेक, एक सेकंड, तुम लोग वहाँ देख सकते हो वो रहा पुलिस ऑफिसर जो कि बाहर के साइड जा रहा है। मैं एक साइड स्नाइपर निकालता हूँ, यहाँ तुम लोग चेक करो, ये रही पुलिस की गाड़ी और ये रहा वो मेंशन, एंड बाहर के साइड वो ट्रक खड़ा हुआ है जिसके अंदर ब्लैक मनी, और मुझे लगता है वो लोग ट्रक को भी अंदर लेकर आएंगे, शायद ब्लैक मनी को यहाँ पे रखने वाले हैं। मेरे को गन अंदर रखनी पड़ेगी, मेरे को छुप के रहना होगा, ये रहा वो सामने मेंशन। तो गाइज यहाँ पे ब्लैक मनी आ चुका है, बस एक खतरा है कि यार यहाँ पे पुलिस भी है साथ में, तो हम लोग को बहुत ही चालाकी से काम करना होगा। अगर पुलिस को शक हो गया तो यहाँ पे और भी फोर्स आ सकती है, तो मैं एक काम करता हूँ, पीछे की साइड पहले मैं बॉडीगार्ड का इंतजार करता हूँ। मैंने उसको बता दिया था कि मैं पीछे के साइड खड़ा हूँ, फटाफट से बॉडीगार्ड आ जाए, उसके बाद कैसे ना कैसे करके हम लोग को वो पैसे लेकर यहाँ से निकलना है। तो अभी यार काफ़ी देर हो चुकी है बॉडीगार्ड का इंतजार करते करते, और ये बॉडीगार्ड का रह गया भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई, बोल रहा था कि 5 मिनट में आ जाएगा और अभी इंतजार करते करते आधा घंटा हो गया है भाई। अगर और ज़्यादा लेट हुआ ना तो मैं ये काम खुद ही कर लूँगा भाई, मेरे को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि यार वो आने में लेट कर दे और सारा पैसा हाथ से चले जाए। और एक सेकेंड गाइस, ये रहा यार अपना बॉडीगार्ड। अबे भाई कहाँ रह गया था यार, इतनी देर से मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, और भाई कपड़े वगैरह चेंज करके आया है, पक्का गाइस ये अपने घर गया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये सैंडी शॉर्ट्स में लेस्टर के साथ रह रहा था, इसीलिए कपड़े वगैरह चेंज करके बिल्कुल नहावा के आया है भाई बॉडीगार्ड। अगर तू थोड़ा और लेट हो जाता ना तो भाई पक्का अपने हाथ से पैसे निकल जाते। तो फटाफट से ऊपर के साइड आ जा, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और हाँ बॉडीगार्ड ये काम ना बहुत ज़्यादा खतरे का हो गया है, क्योंकि पहले ना यहाँ मेरे को लगा था कि सिर्फ यहाँ पे ब्लैक मनी आएगा, पर अभी उसके साथ भाई लॉस सैंटोस की पुलिस भी आ चुकी है। पर गन अभी अंदर रख ले यार, अभी हम लोग उनसे लड़ना नहीं है, पहले तू समझ ले कि करना क्या है। देख मेरे पास एक छोटा सा प्लान है, पर इस प्लान में ना सबसे खतरे वाला काम आज तुझे करना होगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, अगर उन लोगों ने मेरे को पहचान लिया तो पूरे प्लान पे पानी फट जाएगा। तो देख अंदर ना बहुत ज्यादा पुलिस है, पहले मैं तेरे को फटाफट से दिखाता हूँ। पर ये जो व्हाइट कलर की वॉल खड़ी है ना, इसके पीछे ही ब्लैक मनी और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो फटाफट से पहले अपन लोग अंदर चलते हैं और थोड़ा संभल के रहना, कहीं तुम लोग यहाँ देख सकते हो। ओके मैं अंदर आ चुका हूँ, बहुत सही बॉडीगार्ड, तू एक काम कर अंदर मत आ, तू वहीं पे रह यार, यहाँ जगह नहीं है कि बहुत सही। तो बॉडीगार्ड तू मेरी बात सुन रहा है ना,
देख यहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस खड़ी है, और जो ये व्हाइट कलर का ट्रक है इसके अंदर ब्लैक मनी है। तो तेरे को काम क्या करना है, तेरे को बाहर की साइड जो भी गाड़ी नजर आए उसके अंदर जाके एक स्टिकी बॉम्ब लगा के देख ब्लास्ट कर दे। इससे क्या होगा, जितने भी पुलिस वाले हैं बाहर जाके जरूर चेक करेंगे कि बाहर क्या हुआ है, एंड उसी बीच में इस वॉल से अंदर घुस जाऊंगा एंड सारा का सारा पैसा लेकर ट्रक से बाहर निकल जाऊंगा। बाद में तेरे को काम क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरी गाड़ी को भूलना मत, बाद में मेरी गाड़ी लेकर जरूर आ जाना, ठीक है ना? प्लान समझ में आ गया ना भाई, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए इस प्लान में। और हाँ, पुलिस से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग पुलिस से लड़ेंगे तो और ज़्यादा खतरा होगा। हाँ बहुत सही, तो अभी फटाफट से तू यहाँ से निकल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे ही पुलिस तेरे, एक सेकंड भाई, ये बाइक लेकर जा रहा है क्या यार, पैदल चले जाता, पास में ही था। एक मिनट गाइज, ये मेरी कार से तो नहीं जा रहा, ओके मेरी कार से नहीं जा रहा है। मैंने इसको समझा दिया है कि पुलिस जब पीछे पड़े उसी के बाद मेरी कार में भागे, क्योंकि मेरी कार में अगर एक बार बैठ जाएगा ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, पुलिस इसको हाथ भी नहीं लगा पाएगी। मैंने अपनी कार की कीज को दे दी है, बाकी गाइज मेरे को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ओके बहुत सही, मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ, बस कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि शॉट के बंदों ने अभी मेरे को देखा है, एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बंदे आ चुके हैं। बॉडीगार्ड आ गया भाई, उसकी बाइक की मेरे को आवाज़ आ गई है। बस अभी मेरे को खड़े होके यहाँ पे इंतज़ार करना है, जैसे ही सारे लोग बाहर जाएंगे वैसे मैं ट्रक को लेकर यहाँ से निकलने वाला हूँ, और उस ट्रक में बहुत पैसा है, पूरा ट्रक पैसों से भरा हुआ है। ओके तो अभी बॉडीगार्ड ने यार बाहर पूरा सेटअप कर दिया है, बॉडीगार्ड मेरे से कॉल पर ही बात कर रहा है। तो बॉडीगार्ड तू रेडी है ना? ओके तो एक काम कर भाई, ब्लास्ट कर दे, जो होगा देखा जाएगा। ओके गाइस भाई ब्लास्ट हो चुका है, पर ये पुलिस वाले हिले, एक सेकेंड, ओके गाइस, प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा है, बहुत सही। एक सेकेंड बिकॉज ओके, सारी की सारी पुलिस बाहर जा चुकी है, ये सारे लोग वो है जो ब्लैक मनी को काउंट कर रहे थे, बहुत सही गाइस, यहाँ देख रहे हो सारी चीज़ें एकदम प्लान के मुताबिक चल रही है। ओके बॉडीगार्ड, मैं ट्रक में बैठने जा रहा हूँ, बॉडीगार्ड जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँ उसके बाद तेरे को काम क्या करना है, सीधे मेरी गाड़ी में बैठना है और मेरी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलना है। बहुत सही, और सीधे मेरे पीछे आ रहा है, क्योंकि हो सकता है पुलिस मेरे पीछे पकड़े। ओके तो अभी मेरे को फटाफट, ओ भाई बॉडीगार्ड ने सबको ही मार दिया भाई यहाँ पे, जल्दी से निकलना पड़ेगा। और बहुत सही गाइस, इन लोगों को लग रहा होगा कि शायद प्रेसिडेंट का ही कोई बंदा है जो पैसों को बचा रहा है, इसीलिए पुलिस वाले मेरे को कुछ नहीं कह रहे। भाई ये हुई ना बात, अपना छोटा सा प्लान गाइस यहाँ पे काम कर चुका है बॉडीगार्ड ने, भाई बहुत ही सही काम किया। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे फायर ब्रिगेड तुरंत आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिशियंस रहते हैं। और गाइस यहाँ पे हम लोगों ने प्रेसिडेंट का पैसा चोरी कर लिया, उसने सोचा नहीं होगा कि हम लोग को पता लग जाएगी वो लोकेशन जहाँ पे उसने ब्लैक मनी रखा है। ओके बहुत सही, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ट्रक को मैं ऊपर के साइड लगा लेता हूँ, एंड एक बार बॉडीगार्ड को देखता हूँ कि यार आखिरकार वो क्या कर रहा है, कहीं वो फंस ना आ जाए। यार मैंने उसे समझाया था कि यार वो लड़ाई वगैरह ना करे, देखो फटाफट से जाना पड़ेगा, एक बार फटाफट से उसको देखते हैं कि आखिरकार बॉडीगार्ड किधर है। तो अभी मैं ऊपर की साइड आ चुका हूँ, फटाफट से मैं स्नैपर निकालता हूँ। और गाइस तुम लोग यहाँ देख रहे हो यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस आ चुकी है, ओ तेरी भाई, बॉडीगार्ड को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। मुझे लगता है कि यार पुलिस वाले यहाँ पे आ चुके हैं भाई बॉडीगार्ड को खत्म करने के लिए। तुम लोग यहाँ देख रहे हो, ये रहा अपना बॉडीगार्ड, और मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अगर मैंने इसकी हेल्प की तो बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा, हाथ से पैसे जा सकते हैं। पर गाइस मुझे बॉडीगार्ड की जान तो बचानी पड़ेगी, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं अपने स्पेशल वेपन निकालता हूँ, एंड यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को ख़त्म करता हूँ, और साथ में बंदों को भी, क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ऐसा ना हो कि सारे शॉट के बंदे मिलकर यार बॉडीगार्ड को ख़त्म कर दे। हेलो बॉडीगार्ड, आवाज़ आ रही ना तेरे को? फटाफट से वहाँ से निकल भाई, उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग पुलिस से लड़ेंगे तो और ज़्यादा पुलिस आ जाएंगी। गाइस तुम लोग यहाँ देख रहे हो, बॉडीगार्ड भाग रहा है, बॉडीगार्ड बहुत सही, निकल जल्दी से जल्दी निकल हमारी गाड़ी। ओके तो ये खड़ी है मेरी कार, कार के पास निकल फटाफट, बॉडीगार्ड शॉर्टकट मार इस घर के बगल में से भाग यहाँ से, बहुत सही। तो यहाँ से शॉर्टकट मारकर रोड की तरफ मजा, यहीं से फटाफट से निकल, सामने ही कार है, बहुत सही गाइस, कोई पुलिस वाला पीछे नहीं आ रहा तो ओके। आ रहे, एक सेकंड, मैं अपनी स्पेशल वेपन निकालता हूँ, तो बॉडीगार्ड कार में जाके बैठ। तो अभी बॉडीगार्ड यार जा चुका है कार के पास, और मैंने अपनी गन निकाली, और तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, अभी यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला बचने वाला नहीं है। तुम लोग यहाँ देख रहे हो, निकल यहाँ से, ओ तेरी भाई, तुम लोग वहाँ देख रहे हो भाई, बंदे जितने भी थे सारे के सारे उड़ गए, बाकी वो भाई क्या आवाज आ रही है, निकल यहाँ से।
गाइस मेरे पास ज्यादा गोलियां नहीं है, मेरे को निकलना पड़ेगा और सामने बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड फटाफट से निकल, लड़ना नहीं है। बॉडीगार्ड मेरे को सैंडी शॉर्ट्स के रास्ते में निकल मिलना, मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ। गन को मैंने अंदर रख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस मेरे भी पीछे पड़ जाए और हाथ से पैसे निकल जाए। वैसे पैसे हाथ से निकल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अपनी टीम के बंदे की जान नहीं जानी चाहिए। अपने टीम का एक एक बंदा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से मैं यहाँ से निकलता हूँ, जल्दी 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 जल्दी। और गाइस तुम लोग वहां देख रहे हो पुलिस का हेलीकॉप्टर आ चुका है। वैसे मैं उसे आसानी से क्रैश करा सकता हूं, पर अगर मैंने एक हेलीकॉप्टर को गिराया तो मिलिट्री कर्नल पूरी फोर्स को भेज देगा। ओके तो गाइस वो रहा ट्रक, ट्रक किसी के नजर में नहीं आना चाहिए। जल्दी से यहां से निकलना पड़ेगा माइकल, फटाफट से निकल। बॉडीगार्ड एक काम कर, तू फटाफट से मेरे को ट्रैक करके मेरी लोकेशन पे आ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ट्रक को ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आवाज आ रही है ना तेरे को, मैं व्हाइट हाउस के रास्ते में तेरे को मिलूंगा। फटाफट से उस साइड में आ जाओ, क्योंकि ये ट्रक बहुत ज्यादा स्लो चलने वाला है, ऊपर से पूरा का पूरा पैसों से भरा हुआ है, तो इसे ले जाने में काफी दिक्कत आ सकती है। तो अभी मैं फटाफट से भाई व्हाइट हाउस वाले रास्ते से जा रहा हूँ। ओके गाइस सामने व्हाइट हाउस है, मैं सामने नहीं जा सकता, व्हाइट हाउस में बहुत ज्यादा पुलिस होगी, मैं सामने नहीं जा सकता। और अगर किसी ने भी ये ट्रक पहचान लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। मैं काम करता हूँ ना, पहले ट्रक को हम लोग एक जगह साइड में रोकते हैं एंड इसमें से सारा का सारा पैसा निकाल के ट्रांसफर करते हैं किसी और गाड़ी में और उसके बाद लेकर जाते हैं, क्योंकि आसपास भाई बहुत ज़्यादा पुलिस हो सकती है। ओके बहुत सही, तो ये रास्ता मेरे को एकदम सही नज़र आ रहा है। मैं काम करता हूँ फटाफट से ट्रक को ऊपर की साइड चढ़ाता हूँ, वहाँ पे खड़ा करके ना ट्रेवर को भी बुलाता हूँ। ट्रेवर को मैं बोल दूंगा कि यार अपनी गैंग को लेकर आ जाए और एक ट्रक लेकर आए, जिसमें हम लोग सारा का सारा जल्दी से पैसा ट्रांसफर कर देंगे। एक सेकेंड यार, ऊपर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो मुझे इस वाले ट्रक को ना थोड़ा साइड में लगाना पड़ेगा। ओके बहुत सही गाइस, सामने काफ़ी सारे मेरे को पेड़ नज़र आ रहे हैं, वहीं कहीं मैं अगर लगा लेता हूँ तो किसी को कोई भी शक नहीं होगा। ओके बहुत सी आराम से लेकर जाना है इसको, कोई रास्ते में मिल ना। ओके गाइस कोई दिक्कत नहीं है, सामने यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। ओके बहुत सही, फटाफट से लेकर जाते हैं। ओके यहाँ साइड में लगाते हैं और जल्दी से ट्रेवर को कॉल करते हैं। मैं फटाफट से यहाँ ट्रक को लगा लेता हूँ और ड्राइवर को यहाँ पे बुलाते हैं। तो अभी यार मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया और मैंने ड्राइवर को बोला है कि यार जो भी काम कर रहा है सारे काम को छोड़कर फटाफट से मेरी लोकेशन पे आ जाए, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो मैंने उसको बता दिया है कि यार प्रेसिडेंट के ब्लैक मनी को हम लोगों ने चोरी कर लिया है, पर उस मनी को यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए अपने को एक ट्रक चाहिए और कुछ गैंग के बंदे चाहिए। तो ड्राइवर कुछ ही देर में यहाँ पे आ जाएगा। बाकी गाइस तुम लोग देख रहे हो ट्रक बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम लोग को लग रहा होगा कि इस ट्रक में कितना पैसा हो सकता है। तो मैंने ट्रक को चेक किया गाइस, ट्रक के अंदर पैसा नहीं है, ट्रक के अंदर गोल्ड के ब्रिक रखे हुए हैं, मतलब गोल्ड और डायमंड भरे हुए हैं। मतलब ये ट्रक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक सेकेंड गाइस, ऊपर के साइड मेरे को पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है। ये गाड़ी पहले ऊपर से जा रही थी एंड अचानक से शायद इसने ट्रक को देख लिया। इसने मेरे को तो नहीं देखा ना, एक मिनट, मेरे को गन पहले निकालनी पड़ेगी। एक सेकेंड, कहाँ गई है? ओके गाइस जिन लोगों ने ट्रक देख लिया शायद, यार ये तो गड़बड़ी हो गई, बहुत ज्यादा गड़बड़ी। मेरे को घास में बैठना पड़ेगा। एक सेकंड। ओके कोई दिक्कत नहीं, अभी तक शायद इन लोगों ने मेरे को नहीं देखा। इन लोगों ने ट्रक पहचान लिया गाइस, ये लोग ट्रक को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे बंदे हैं, इन लोगों ने ट्रक पहचान लिया और अगर इन लोगों ने और भी फोर्स बुला ली तो ट्रक हमारे हाथ से चला जाएगा। एंड इस ट्रक के अंदर मेरे को लगता है कम से कम $100 मिलियन के डायमंड्स हैं, जो मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। एक सेकंड, मेरे को इन्हें टपकाना पड़ेगा, मेरे को मारना पड़ेगा। एक सेकंड गाइस, इसकी तो ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से तेरी तो। एक सेकंड गाइस सुन लो, तेरी तो जा का निकल यहाँ तेरी तो। एक सेकंड गाइस, मैंने इसको काफी सारी गोलियां मार दी। एक मिनट, तेरी तो निकल यहाँ से, तेरी तो निकल यहाँ से। एक मिनट, गैंग वाले बंदे जरूर आते हैं, तेरी तो। गाइस मैंने सारे के सारे पुलिस वाले को मार दिया, मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले यहाँ पे और भी बंदे आ जाएं। और इस वाली गाड़ी को मेरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है इसके अंदर भाई ट्रैकर लगे होते हैं। एक मिनट, जल्दी। एक सेकेंड, मैंने ग्रेनेड निकाले, मेरे को ग्रेनेड डालने पड़ेंगे, कुछ ग्रेनेड डाल देता हूँ। ओके अभी फटाफट से चलते हैं, इसकी तो ऐसे। ओके बहुत सही, तो यहाँ पे अभी मैंने ग्रेनेड फोड़ दिए हैं, अभी वो गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई होगी। इस वाले ट्रक को मेरे को कैसे भी बचाना पड़ेगा। और मेरे को ना इसे रोड पे चलाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार पुलिस इसे पहचान ना ले, क्योंकि पुलिस चारों तरफ इस ट्रक को ढूंढ रही है। मेरे को ना अभी इसे सड़क से नीचे उतारना पड़ेगा।
बहुत सही। अबे 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 भाई, ये ट्रक बहुत बुरी तरीके से टूटने वाला है। ये जगह मेरे को एकदम ठीक लग रही है, मैं यहाँ पे खड़ा कर लेता हूँ और ट्रेवर को अपनी लोकेशन भेज दूंगा। मैं ट्रेवर को बोल दूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे आए, ज्यादा देर तक मैं इस ट्रक को बचा नहीं सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे यार ट्रेवर का इंतजार कर रहा था, पर ट्रेवर बोल रहे हैं कि यार माइकल ने थोड़ा सा आगे आ जाए, उसने मेरे को एक लोकेशन बताई है जो कि जस्ट सामने की है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ ना, फटाफट से इस ट्रक को वहीं पे लेकर जाता हूँ। बाकी लेसर बोल रहा था कि यार जल्दी से जल्दी मैं इस ट्रक को छोड़ दूँ, क्योंकि हो सकता है इस ट्रक के अंदर ना कोई ट्रैकर लगा हो और पुलिस इस ट्रक को ट्रैक करते हुए यहाँ तक आ जाए। तो अगर पुलिस आ गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। और गाइस ट्रेवर ने मेरे को सामने की लोकेशन दी थी, तो मैं काम करता हूँ ना, राइट में फटाफट से इस वाली ट्रक को लगा देता हूँ। बहुत सही, ट्रेवर अभी तक नहीं आया यार, पता नहीं कितनी देर लगाएगा भाई। मैंने इसको बोला था कि जल्दी से जल्दी सारे काम छोड़कर आ जाए, पर पता नहीं कहाँ पे रह गया। ये जगह एकदम सही है। ओके बहुत सही, तो मैं काम करता हूँ इस वाले ट्रक को यहाँ लगा देता हूँ एंड ट्रेवर का इंतजार करते हैं। मैं फटाफट से गन निकाल लेता हूँ हाथ। ओके तो गाइस तुम लोग सामने देख रहे हो, यहाँ पे ट्रेवर आ चुका है और ये गार्बेज ट्रक लेकर आया है भाई। पर चलो ठीक है यार, जल्दी में जो भी ट्रक लेकर आए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवर फटाफट से भाई इस वाले ट्रक का पीछे का गेट खोल और जल्दी से इसमें गोल्ड और डायमंड डाल। और अकेला क्यों आया भाई, मैंने बोला था साथ में यार गैंग के बंदों को लेकर आना, पर ये तो अकेला ही आ गया। तो अभी हम लोगों ने इस वाले ट्रक को ओपन कर दिया और गाइस तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे गोल्ड की ब्रिक भरी हुई है और अंदर काफी ज्यादा गोल्ड की ट्रे है, डायमंड यहाँ पे भरा हुआ है और काफी ज्यादा पैसा भी है और पता नहीं और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरे को चीजें नजर आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें इस वाले ट्रक से यहाँ पे शिफ्ट करनी है। मैंने काफी सारी ब्रिक इसमें रख दी है और हम लोग ट्रे लेकर नहीं जाएंगे, हम लोग एक एक ब्रिक रखने वाले हैं। और एक गोल्ड की ब्रिक की कीमत भी यार काफी ज्यादा होती है, मतलब ये जो डायमंड और जितना भी गोल्ड है ना, ये मिलियन डॉलर्स का है। बाकी ट्रेवर ना यहाँ पे अकेला है, तो मैंने इसको बोला कि यार थोड़ी देर गन लेकर यहाँ पे खड़े रहे, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे। मैंने इसको बोला था कि यार गैंग लेकर आए, पर ये बंदा ना जल्दीबाजी में अकेला ही आ गया। पर कोई दिक्कत नहीं, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। ट्रेवर तू बस बंदों पर नजर रख, मैं फटाफट से सारे पैसे और गोल्ड को शिफ्ट करता हूँ। तो अभी हम लोगों ने सारे का सारा गोल्ड पैसा डायमंड भाई गार्बेज ट्रक में ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें इनको कई घंटे लग गए भाई, हालत खराब हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा गोल्ड था। बाकी अभी हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ट्रेवर एक काम कर, बहुत सही ट्रक को बंद कर, और ये वाला ट्रक ना तेरे को यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं करना है, मेरी बात सुन, इसको पलीटो के साइड जो ओशन है ना वहां लेकर जा। यहाँ नहीं करना भाई डिस्ट्रॉय। अगर तूने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया और अगर पुलिस को पता लग गया तो वो लोग यहाँ पे सैंडी शॉर्ट्स में ढूंढेंगे। तुझे काम क्या करना है, इस वाले ट्रक को ना पलीटो के साइड लेकर जा, ओशन में ऐसी डाल दे, तेरे को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ताकि अगर उनको लोकेशन मिलेगी भी तो पता नहीं कहाँ की मिलेगी, क्योंकि ओशन में ये बहते बहते पता नहीं कहाँ चला जाएगा। और हाँ, पलीटो के साइड ही डाल दो और आराम से चला भाई। कैसे चला रहा है यार, एक तो इस बंदे का ना मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। बाकी मैं फटाफट से इस गार्बेज ट्रक को लेता हूँ एंड जल्दी से चलता हूँ भाई लेस्टर के पास लेकर। भाई किसी को पता नहीं होगा भाई, कूड़ा उठाने वाले ट्रक में मिलियन डॉलर्स का सामान रखा हुआ है और मेरे को ना इसको बहुत ज़्यादा आराम से लेकर जा रहे हैं। फटाफट से यहाँ से चलते हैं भाई अपनी टीम के पास, वहाँ पे टाइसन लेस्टर और बॉडीगार्ड मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बॉडीगार्ड से मेरी बात हो गई थी, मैंने बॉडीगार्ड को बोला कि यार मेरी कार लेकर ना वहीं चले जाए, मैं डायरेक्टली वहीं पे आता हूँ। तो अभी मेरे को रोड पे ना थोड़ा संभल के लेकर जाना है, बस कोई भी मेरे को ना पहचान ले। वैसे कोई शक तो नहीं करेगा कि यार मिलियन डॉलर्स का सामान इस गार्बेज ट्रक में होगा। बाकी मैं हाईवे से थोड़ा दूर ही रहूँगा, मैं ना एक काम करता हूँ ना, शॉर्टकट मारते हुए निकलता हूँ यहाँ से। जो रास्ता है यहाँ से थोड़ा ऑफ रोडिंग तो करनी पड़ेगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये रास्ता अपने लिए एकदम ठीक रहेगा। तो अभी हम लोग इस ट्रक को लेकर यार सैंडी शोर्स आ चुके हैं और गाइस सही बताओ ना भाई, इस ट्रक को चलाने में ना मेरी हालत खराब हो गई, इतना ज़्यादा स्लो चल रहा है भाई, चल ही नहीं रहा। मतलब मैं से ज़्यादा तेज तो भाई साइकिल वाले चले जाएंगे, और फिर आराम से ये पलट पलट ना जाए, क्योंकि पूरा का पूरा ना भाई भरा पड़ा, उसमें बहुत कम जगह थी, इसीलिए मैंने ट्रे वगैरह नहीं डाली, सिर्फ ब्रिक ब्रिक अलग से निकाल के रखी हैं। ओके तो हम लोग आ चुके हैं, सामने तुम लोग देख सकते हो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैं काम करता हूँ ना, इस गार्बेज ट्रक को ना साइड में लगा देता हूँ, बहुत सही। तो यहाँ लगा देते हैं एंड इसको लॉक कर दूंगा, ये ट्रक यहाँ पे एकदम सेफ रहेगा। लोगों को लगेगा बस कूड़े वाला ट्रक ही तो है, इसमें कहाँ इतना पैसा हो सकता है।
ओके बहुत सही। तो अपनी गाड़ी एकदम सही सलामत यहाँ पे आ चुकी है। वैसे बॉडीगार्ड के पीछे काफी ज्यादा सॉर्ट के बंदे पड़े थे, पर इस गाड़ी ने उसे बचा लिया। तो फटाफट से चलते हैं अपनी टीम के पास। गाइस सामने तुम लोग देख रहे हो, यहाँ से मेरे को लेस्टर टाइसन और अपना बॉडीगार्ड नजर आ रहा है। फटाफट से इनसे बात करते हैं। एंड हाँ, अभी मेरे को पता भी करना है लेस्टर से कि हम लोग को फ्रैंकलिन को कैसे बचाना है और फ्रैंकलिन है कहाँ पे। और यहाँ देख रहे हो भाई, फुल पार्टी वार्टी चल रही है, यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं। सो अभी मेरी लेस्टर से यार बातचीत हो गई, और गाइस यहाँ पे अपनी टीम यार बहुत ज्यादा खुश है। और लेस्टर बोल रहा है कि भाई जब प्रेसिडेंट को पता लगेगा कि हम लोगों ने उसका भाई पैसा डायमंड और गोल्ड चोरी कर लिया है, तो पता नहीं उसकी क्या हालत होने वाली है भाई। उसे शॉक लग जाएगा कि उसकी सीक्रेट जगह हमें पता लग गई और हम लोगों ने वहां से सिर्फ पैसा चोरी नहीं किया है, बॉडीगार्ड बता रहा है कि यार बाद में ना वहां पे एक और ट्रक आया था और बॉडीगार्ड ने उससे भी उड़ा दिया। भाई बॉडीगार्ड तू भी यार बहुत खतरनाक है, इससे भी ना प्रेसिडेंट से बदला लेना है। बाकी यार लेस्टर बोल रहा है कि यार माइकल ने एक बार वो स्पेशल गन दिखा दे कि वो गन कौन सी है, तो लेस्टर तू टेंशन ना ले। सो गाइस लेस्टर देख ये रही गन, गन बहुत ज्यादा खतरनाक और एक से हेलो टाइसन नहीं भाई गन नहीं दे सक, एक सेकेंड भाई टाइसन, मैं भाई गन अंदर रखूं पहले, पर टाइसन रुक भाई एक सेकेंड। टाइसन बोल रहे हैं कि उसे भी एक बार वो गन देखनी है और चला के देखनी है। देख टाइसन ना, अभी मेरे पास बहुत कम बुलेट बची है, सिर्फ 10-12 बुलेट होंगी। भाई बात समझ मेरी यार, मैं तेरे को गन अभी नहीं दे, यार ये बंदा नहीं मानने वाला, ये बोल रहा है ये चलाएगा नहीं, बस इसको एक बार गन दिखा दे, तो यार मेरे को देनी पड़ेगी यार, अपनी टीम का ही बंदा है, इसने मेरी हेल्प करी थी। रुक रुक दे रहा हूँ भाई, तू टेंशन मत, दे रहा हूँ मैं तेरे को रुक। तो अभी मैंने टाइसन को यार गन दे दी और टाइसन बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। तो टाइसन बोल रहा है कि यार ये गन क्या क्या कर सकती है, तो मैंने इसको बोला क्या नहीं कर, अबे रुक जा भाई, इंसानों पे नहीं चलानी है गन, ये एक स्पेशल गन है। एक एक क्या कर रहा है भाई ये, भाई इंसानों को नहीं मारना है यार, पिछले कुछ टाइम से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, अगर हम लोग इन्हीं लोगों को मारेंगे तो भाई ये क्या कर रहा है भाई। वो देखो डर के डर से पानी में कूद गया उसने ना, इतनी बड़ी गन सपने में भी नहीं देखी होगी भाई। टाइसन ये बहुत खतरनाक वेपन है, एक काम कर इसे वापस कर दे भाई, तू वापस, अबे यार ये नहीं मानने वाला, एक सेकंड जा का भाई जा, एक काम कर तो यहाँ वहां चला के देख ले, एक ही बार चलाना और वहां एक सेकंड। ओके सो गाइस तुम लोग, ओ भाई तुम लोग देख रहे हो बोट भी सीधे पानी के अंदर चली गई। लेस्टर तूने धमाका देखा ना, क्या खतरनाक धमाका है। और एक मिनट वो क्या कर रहा है भाई, एक सेकंड ये क्या करने जा रहे हैं वहां पे, एक मिनट मेरी गाड़ी वहां, एक मिनट टाइसन बात सुन हेलो यहाँ मत चला भाई, बगल में देख वो देख गार्बेज ट्रक खड़ा है भाई, उसमें अगर आग लग गई तो नुकसान हो जाएगा। एक मिनट तू गाड़ी पे टेस्ट कर ले, मैं ना गाड़ी को आगे खड़ा कर देता हूँ, तू गाड़ी पे आराम से टेस्ट कर, अपनी गाड़ी पे टेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। गाड़ी को ना बुलेट प्रूफ बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत स्क्रैच आ जाए तो कोई बात नहीं है। और गाड़ी ना उड़ने वाली भी नहीं है क्योंकि गाड़ी ना बहुत दमदार है, मैं गाड़ी को ना यहाँ लगा देता हूँ, बहुत सही। ओके एक सेकंड, मेरे को तो हट जाने दे भाई, मेरे को मत उड़ा देना, ये बंदा ना ट्रेवर से कम नहीं है। ओके टेस्ट कर ले भाई, जो टेस्ट करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा नहीं, एक दो बार ही तेरे को टेस्ट करना है, उसके बाद मैं गन देर से ले लूंगा। जा कर ये भाग के, एक मिनट मैं पीछे हट जाऊँ भाई, मैं पीछे हट जाऊँ, मेरे को ना उड़ा दे साथ में। ओके मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, देखते हैं गाइस अभी। ओ भाई क्या तगड़ा सीन हुआ तुम लोगों ने, तो भाई देखी पानी के अंदर भी भाई सब कुछ हिल गया भाई, टाइसन मजा आ गया ना एक भाई, ओ थ्री पानी तुम लोग देख रहे। अबे बस कर भाई टाइसन, बस कर गन वापस कर मेरे को, जल्दी गन लेता हूँ मैं इससे, नहीं तो ये ऐसे ही चलाता रहेगा। तो अभी मैंने टाइसन से यार गन ले लिया और भाई वो दे नहीं रहा था मेरे को, जबरदस्ती करके लेना पड़ा। तुम लोग यहाँ देखो आसपास सब तरफ आग लग गई थी, तुम लोग यहाँ देख रहे हो, बाकी ये लोग यहाँ पे मजे से कॉफी वगैरह पी रहे हैं, 3-3 कप यहाँ पे कॉफी पी चुके हैं। बाकी यहाँ ना लेस्टर बहुत खुश है, लेस्टर बोल रहा है अभी ना प्रेसिडेंट को कोई नहीं बचा सकता। और ये देखो भाई आग बुझा रहा है, वो देख मेरी गाड़ी के पास आग लगी हुई है, जल्दी से जा वहां पे आग बुझा दे भाई, गाड़ी में वैसे आग तो नहीं लगेगी, गाड़ी ना भाई एकदम बढ़िया है अपनी, मैंने जो पैसा खर्च किया है ना भाई बहुत ही सही पैसा खर्च किया है, बस मेरे को ना इसका कलर चेंज कराना है क्योंकि बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे, तो गाइस बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा। इसमें ना ब्लैक कलर कराने के लिए ना मैकेनिक को देकर आएंगे, पर अभी अपने पास टाइम नहीं, हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और अभी तो हम लोग को फ्रैंकलिन को भी बचाना है, मेरे को लेस्टर से बात करनी पड़ेगी यार फ्रैंकलिन को कैसे बचाएं और पता लगाएं फ्रैंकलिन है कहां पे।
तो वो भी मैंने लेस्टर से यार पता कर लिया, और लेस्टर बोल रहा है कि यार फ्रैंकलिन को तो आज ही बताना पड़ेगा, नहीं तो यार गड़बड़ी हो सकती है। बाकी लेस्टर बोल रहा है कि उसने अपने हैकर्स को बोल दिया है कि यार फ्रैंकलिन की ना लोकेशन ट्रैक करें कि आखिरकार फ्रैंकलिन है कहाँ पे, और एक बार हम लोग को पता लग जाए उसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे और फ्रैंकलिन को बचा के लेकर आएंगे, और जो भी सामने आएगा वो मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग अकेले नहीं है भाई, हमारे साथ एक बहुत बड़ी गैंग है, गोल्ड माफिया, ड्रैगन बॉस और ड्राइवर ने मिलकर भाई बहुत तगड़ी गैंग बना ली है, एंड साथ ही साथ अपने पास स्पेशल वेपन है, इसके सामने कोई नहीं आने वाला भाई, सब मरेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, किलर कमांडोज हो, कोई नहीं बचेगा, फ्रैंकलिन को तो हम लोग बचा ही लेंगे। बाकी लेस्टर बोल रहा है कि यार माइकल एक काम करे, सबसे पहले इस गोल्ड डायमंड और पैसे को ठिकाने लगा दे, मतलब यहां से ले जाके ना गोल्ड माफिया के मेंशन पे रख दे, वहां पे ये पैसा एकदम सेफ रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं ना भाई, मैं अकेले नहीं जाता हूं, बॉडीगार्ड एक काम कर भाई, बहुत देर से कॉफी ऑफी पी रहा है ना भाई, पी ली ना तूने कॉफी भाई, अभी यहां से निकलते हैं। ओके लेस्टर मैं अभी जाता हूं भाई, सारे पैसे और गोल्ड को मैं भाई गोल्ड माफिया के यहां रख कर आता हूं, बाकी जैसे ही फ्रैंकलिन का पता लगे मेरे को कॉल कर देना। तो बॉडीगार्ड एक काम करते हैं, तू भाई वो गार्बेज ट्रक लेकर चल, मैं अपनी गाड़ी से चलूंगा, मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगा अगर रास्ते में कुछ भी गड़बड़ी होती है। बहुत सही, बाकी गोल्ड माफिया ने एक नया मेंशन खरीदा है, उसके बारे में मेरे को पता करना पड़ेगा कि यार वो है कहां पे। एक सेकंड भाई, भाई लॉक हो जा। ओके तो आराम से इसको लेकर चलते हैं भाई, बैग चलाने में ना काफी दिक्कत हो जाती है। ओके आराम से ओके बहुत सही, चढ़ गए। ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सही। ओके तो मैं इसके पीछे पीछे चलने वाला हूँ, क्योंकि गार्बेज ट्रक काफ़ी स्लो चलने वाला है भाई, पूरा का पूरा भरा हुआ है, और इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग अपने डायमंड गोल्ड को सेफ रख लें, ये पैसा आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा काम आ सकता है लॉस सैंटोस में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। वैसे किसी को शक तो नहीं होगा कि यार एक गार्बेज ट्रक के अंदर भाई इतना पैसा है, पर फिर भी मेरे को इसके पीछे पीछे तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग गोल्ड माफिया के यार मेंशन पे पहुंचने वाले हैं, और गोल्ड माफिया ने यार यहाँ पे ना अपनी फोर्स को इकट्ठा कर रखा है, मतलब जितने भी उसके गैंग में बंदे थे सबको यहाँ पे बुला लिया है। तो फटाफट से चल के यार उनसे भी मिलते हैं, और मेरे को यार बॉडीगार्ड का इंतजार करना पड़ेगा, और तुम लोग यहाँ देख रहे हो बॉडीगार्ड मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है भाई, मैंने ना गाड़ी को ज़्यादा तेज नहीं भगाया, पहले मैं इसके पीछे आ रहा था, बाद में मैं इसके आगे आ गया, मैंने सोचा यार आगे से ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे को पहले ही पता लग जाएगी। तो गाइज ये रहा गोल्ड माफिया का मेंशन, जो कि काफ़ी पुराना है, पर गोल्ड माफिया यहाँ पे कभी कभी आता है। और एक सेकंड, बॉडीगार्ड कर क्या रहा है भाई, आराम से चलाना है तेरे को ट्रक, तुम लोग यहाँ देख रहे हो इसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया ट्रक को। एक मिनट गोल्ड माफिया या अंदर जा पाएगा क्या, एक मिनट मेरे को गाड़ी को पीछे करने दे पहले, एक मिनट भाई पहले गाड़ी को मैं थोड़ा सा, भाई ये अबे हटा लो भाई, बॉडीगार्ड अंदर ले जाके देख, बहुत सी अंदर चल। ओके तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को मैं बाहर ही नहीं देता हूँ, क्योंकि ट्रक यार ज़्यादा ज़रूरी है अंदर ले जाना, क्योंकि ट्रक के अंदर भाई मिलियन डॉलर्स का गोल्ड और डायमंड भरे हुए हैं। ओके तो मैं यहाँ से शॉर्टकट मार के सीधे नीचे चले जाता हूँ, बहुत सही, अपना बॉडीगार्ड भी ना यार हैवी ड्राइवर है, देख रहे हो यार गार्बेज ट्रक को अंदर लेकर आ गया। बाकी मेरे को चल के देखना पड़ेगा कि यार गोल्ड माफिया कहाँ पे है, बाकी ये मेंशन ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो पहले ये मेंशन किसी माफिया का था, फिर गोल्ड माफिया ने उसे खरीद लिया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मेंशन है गाइस, हम लोग यहाँ देख रहे हो। तो एक काम कर बॉडीगार्ड, तू उस साइड में जाके देख, तू ऊपर जाके देख ले, एक काम कर सीढ़ियों से सीधे ऊपर जा, और गोल्ड माफिया को देख, अगर वो मिलता है तो सीधे उसको नीचे बुला कर लाना, क्योंकि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पे किचन बना हुआ है एंड बाहर जा सकते हैं क्या। ओके बाहर का गेट भी है भाई, ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब एकदम महल के जैसे, जैसे कासल नहीं होता बिल्कुल वैसा ही, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके तो बॉडीगार्ड अंदर चेक कर रहा है, मैं बाहर देख लेता हूँ, और एक सेकंड गाइस, बॉडीगार्ड हेलो भाई नीचे ही है, गोल्ड माफिया नीचे मेरे को नज़र आ चुका है। ओके तो पहले मेरे को फटाफट से जाना पड़ेगा, गोल्ड माफिया शायद अपनी फोर्स से बात करे, बॉडीगार्ड भाई बाहर की साइड चल। ओके तो जल्दी से चलते हैं यार भाई, जल्दी से चलते हैं गोल्ड माफिया के पास, और पीछे जाने का रास्ता का, ओके ये रहा रास्ता, फटाफट से चल के देखते हैं। तुम लोग वहाँ देख रहे हो गाइस, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बंदे हैं, मुझे लगता है कि यार गोल्ड माफिया ने अपनी सारी की सारी सिक्योरिटी को यहीं पे बुला लिया है, जितने भी बंदे उसके लिए काम करते हैं, और ये दिखने में ना एकदम नॉर्मल से बंदे लगते हैं भाई, नॉर्मल है नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फटाफट से चलते हैं और चल के गोल्ड माफिया से बात करते हैं, हटे जाओ हट जाओ, फटाफट से गोल्ड माफिया से बात करते हैं एंड पता करते हैं कि यार सारे बंदे रेडी हुए या नहीं हुए।
तो भी मेरी गोल्ड माफिया से यार बातचीत हो गई, और गोल्ड माफिया बोल रहा है कि यार उसके बंदे तो हमेशा रेडी होते हैं, बस माइकल एक इशारा कर दे, इसके बंदे भाई किसी को नहीं छोड़ेंगे, प्रेसिडेंट के मेंशन में घुस के सबको खत्म कर देंगे। तो मैंने गोल्ड माफिया को बोला कि प्रेसिडेंट के मेंशन में भाई किसी को नहीं घुसना है, वो काम मेरा है, क्योंकि वहां पे ना किलर कमांडोज होंगे, और अगर ये वहां जाते हैं तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि किलर कमांडोज ने ना एक तरीके का बॉडी सूट पहन रखा है जिससे वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, उन पे कोई बुलेट असर नहीं करती, और उसी का फायदा उठा के वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए गोल्ड माफिया, जब तक मैं ना बोलूं किसी को कहीं नहीं भेजना है, इनका कोई दूसरा ही प्लान मैंने सोचा है, क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंट के मेंशन में अपना स्पेशल वेपन लेकर घुसूंगा और वहां पे जब मैं तबाही मचाऊंगा, उस टाइम पे मिलिट्री और पुलिस मेरे को मारने जरूर आएगी, और उस टाइम पे भाई जो अपन लोगों ने गैंग बनाई है, ये गैंग फोर्स से लड़ेगी। तो इनका कुछ और ही काम है, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक इनको यहीं पे रखना। बाकी गोल्ड माफिया, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेकर आया हूं, जैसे डायमंड, गोल्ड और पैसा, उसको छुपा के रखना है कुछ टाइम के लिए, तो भाई तेरे पास कोई जगह है तो मेरे को फटाफट से बता। तो अभी मैंने गोल्ड माफिया से यार पता कर लिया है, गोल्ड माफिया बोल रहा है कि यार उसके मेंशन में एक सीक्रेट जगह है जहाँ पे हम लोग अपना सारा का सारा इंपॉर्टेंट सामान रख सकते हैं, वो सामान वहाँ पे एकदम सेफ होगा। और बॉडीगार्ड क्या बोल रहा है भाई, एक सेकंड, ओके, बॉडीगार्ड बोल रहे हैं कि माइकल का सामने वो रहा घर जहाँ पे माइकल की फैमिली और पुलिस की सिक्योरिटी थी, पर अभी हम लोग को वो घर छोड़ना पड़ गया, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पे रहे तो हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं रहेंगे। माइकल की फैमिली तो लॉस सांटोस के बाहर ही है, गोल्ड माफिया छोड़कर आ गया है, वो वहाँ पे एकदम सेफ रहेंगे, एंड जब तक लॉस सांटोस में सब कुछ ठीक ना हो जाए मैं उन्हें यहाँ बुलाने वाला नहीं हूँ। बाकी बॉडीगार्ड फटाफट से आ जा, मैं तेरे को सीक्रेट वो रूम दिखा देता हूँ, वहाँ पे सारा का सारा गोल्ड और पैसा रख देना। ये इनमें से कोई एक रूम है ना, एक मिनट मेरे को अंदर जाके देखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बाथरूम है भाई, इसके अंदर नहीं जाना, जरूर इसके बगल में होगा। ओके ओके, हाँ ये है सीक्रेट रूम, बॉडीगार्ड जल्दी नीचे आ जा भाई, देख रहे हो इतने बढ़िया मेंशन में एक सीक्रेट रूम बना रखा है, एंड यहाँ मॉनिटर करने के लिए कैमरा वगैरह लगा रखा है जिनको मैं ओपन करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे दो रूम है, एक तो ये रहा जहाँ पे बेड वगैरह पड़ा है, हम लोग यहाँ पे सो सकते हैं, मतलब अगर किसी को रखा जाए यहाँ पे। ओके, तो एक काम कर बॉडीगार्ड, ये वाला रूम एकदम ठीक है, सारा का सारा गोल्ड डायमंड और पैसा यहाँ पे ला के रख दे, यहाँ पे अपना पैसा एकदम सेफ रहेगा। तो फटाफट से मैं ऊपर चलता हूँ, बॉडीगार्ड ये काम कर देगा, मेरे को बस जाके गोल्ड माफिया से बात करनी है। ओके, फटाफट से चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे खड़े होकर अपने पुराने घर को देख रहा था, और गाइस अभी मेरे पास लेस्टर का कॉल आया, वो लेस्टर बता रहे हैं कि यार उसके हैकर ने फ्रैंकलिन का पता लगा लिया है। तो हम लोग सुबह से ना फ्रैंकलिन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर फाइनली लेस्टर के हैकर ने उसको ढूंढ लिया, और फ्रैंकलिन अभी प्रेसिडेंट के मेंशन पे ही है, और चारों तरफ ना किलर कमांडोज भरे हुए हैं। तो लेस्टर बोल रहा है कि अगर हम लोग को फ्रैंकलिन को बचाना है तो अभी के अभी ये काम करना होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को ना अभी तक पता नहीं लगा है कि उसका पैसा चोरी हो गया है, सिक्योरिटी ने अभी तक बताया ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को पता लग गया तो सबसे पहले तो वो अपनी सिक्योरिटी को खत्म करेगा, के बाद वो हमसे निपटेगा। पर जब तक उसको पता लगेगा तब तक तो मैं फ्रैंकलिन को आसानी से बचा लूंगा। मैंने लेस्टर को पूरा प्लान समझा दिया है, मैंने लेस्टर को बता दिया है कि यार पहले ना प्रेसिडेंट के मेंशन में मैं घुसूंगा, वहां पे सारे के सारे किलर कमांडोज को खत्म करूंगा, और अगर पुलिस या फिर मिलिट्री मेरे ऊपर अटैक करती है तो उसी बीच सारी की सारी गैंग को एक साथ उसके मेंशन पे भेज दे, ताकि गैंग मेरे को प्रोटेक्ट कर पाए, और हम लोग वहां से फ्रैंकलिन को भी आसानी से बचा लेंगे, और माइकल को भी कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। बाकी बॉडीगार्ड कहां पे है, एक सेकेंड, जाने से पहले मैं इसको तो बता दूं। ओके, तो बॉडीगार्ड तू ना सारा का सारा डायमंड, गोल्ड और पैसा यहाँ पे शिफ्ट कर, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरे को फ्रैंकलिन की जान बचानी है, पर अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो मैं तेरे को कॉल करूंगा, तू सारी गैंग लेकर प्रेसिडेंट के मेंशन पे आ जाना, और हाँ मेरे कॉल का इंतजार करना, ऐसी मत आ जाना भाई, ऐसा ना हो कि मैं फ्रैंकलिन को बचा रहा हूँ और ये अपनी जान खतरे में डाल दे। तो फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा, और गाइस प्रेसिडेंट के मेंशन पे अगर अटैक करना है तो मुझे स्पेशल वेपन के बुलेट्स तो चाहिए ही चाहिए, मेरे पास ज़्यादा बुलेट नहीं है, क्योंकि टाइसन ने ना यार सारी वेस्ट कर दी थी, सारी नहीं कुछ ही वेस्ट की थी। तो अभी मेरे को बुलेट्स लेने के लिए जाना पड़ेगा ह्यूमन लैब, तो फटाफट से ह्यूमन लैब की तरफ चलते हैं, और मैं साइंटिस्ट को कॉल भी कर दूंगा, शायद अभी तो उसने रेडी कर दी होंगी भाई, दो दिन हो चुके हैं, दो दिन में तो बुलेट्स उसने बना दी होंगी। तो फटाफट से चलते हैं, जितनी भी बुलेट्स रेडी हो गई होंगी सारी बुलेट्स लेकर आते हैं, और प्रेसिडेंट के मेंशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। भाई मेंशन मेरे हाथ से बचेगा नहीं, वहाँ पे किलर कमांडोज को खत्म करूंगा, और जो जो वहाँ पे मेरे हाथ लगने वाला है ना सब मरेंगे भाई, सब के सब मरने वाले हैं।
तो अभी हम लोग यार सैंडी शोर्स पहुंचने वाले हो, और मैंने यार रास्ते में ह्यूमन लैब के साइंटिस्ट को कॉल कर दिया था। और अच्छी चीज़ यह है कि ह्यूमन लैब का साइंटिस्ट ना अभी बाहर ही घूम रहा है, तो मैंने उसको बोला कि एक काम करते हैं, सैंडी शोर्स में जो बड़ा सा मॉल है ना जिसमें एंट्रेंस नाम है, वो मॉल अभी कुछ टाइम के लिए बंद पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि भाई मॉल के बाहर ही मिल जाए, क्योंकि ह्यूमन लैब में तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, वहाँ तो मैं वैसे भी नहीं जा सकता हूँ। सो गाइस मेरे लेफ्ट में तुम लोग देख सकते हो ये रहा मॉल। भाई मेरे को ना आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मैं यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट में पहुँच चुका हूँ, इतनी ज़्यादा जल्दी। तो फटाफट से चल के देखते हैं। ओके तो मुझे लगता नहीं साइंटिस्ट अभी यहाँ पे आया है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी कार को यहाँ लगा देता हूँ। बॉस एक सेकेंड, भाई साइंटिस्ट यहीं पर ही है, मेरे को लगा नहीं था कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा। ओके तो जरूर ये आसपास ही होगा, एंड ये बुलेट्स को अपने। ओके तो गाइस ये रहा बॉक्स। एक सेकंड साइंटिस्ट, एक सेकंड रुक जा, इसकी दो, एक मिनट निकल यहाँ से भाई, इसको बेहोश करना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ देख सकते हो ये मॉल ना अभी बंद पड़ा हुआ है। ओके एक काम करते साइंटिस्ट पीछे के साइड है, मेरे को ये बॉक्स यहाँ पे दे फटाफट से इधर आ। तो अभी मैंने साइंटिस्ट से यार बॉक्स ले लिया है, और इस बॉक्स के अंदर ये बोल रहे हैं करीब 1000 बुलेट्स है जो कि खत्म ही नहीं होंगी। मतलब 1000 बहुत ज़्यादा यार, इतने में तो मैं पूरे लॉस सांटोस में आग लगा दूंगा। तो अभी भाई बुलेट्स बच जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़ी दवाई होती है। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो साइंटिस्ट इतनी जल्दी में भाग रहा है ताकि इसको कोई देखे ना, भाई निकल जाए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फटाफट से एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं एंड जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। भाई अपन लोगों ने पूरा इंतजाम कर लिया है, इस बार ना हम लोग पूरा प्लान बनाने के बाद अटैक कर रहे हैं। तो और भाई प्रेसिडेंट तो बचने वाला नहीं है, और अगर गलती से वो अपने मेंशन पे मिल गया ना तो बहुत बुरी मौत मरेगा। फटाफट से चलते हैं, रास्ते में बॉक्स से सारी की सारी बुलेट्स को निकाल लूंगा, एंड अभी मेरे को बस प्रेसिडेंट के मेंशन पे अटैक कर रहे हैं। तो पहले फटाफट से प्रेसिडेंट के मेंशन पे चलते हैं, एक बार अच्छे से पहले नज़र डाल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यार किलर कमांडोज मेरा इंतज़ार कर रहे हो एंड जैसे ही मैं पहुंचूं वो मेरे को मार दे, बल्कि ऐसा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा संभल के रहना होगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ना जितना सीधा लगता है भाई उतना सीधा है नहीं, वो भी बहुत तगड़ा दिमाग चलाता है। तो फटाफट से एक काम करते हैं, पहले उसके मेंशन पे चलते हैं एंड चल के देखते हैं वहाँ पे कितने बंदे हैं। तो अभी हम लोग लॉस सांटोस सिटी में आ चुके हैं, और गाइस रास्ते में ना मेरे को काफ़ी सारे पुलिस वाले नज़र आए थे, पर मैंने जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी बचा ली, और मैंने बॉक्स में से ना काफ़ी सारी बुलेट भी निकाल ली है। तो अभी मेरे को थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, बाकी मेरी लेस्टर से बात हो गई है। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार उसने ना गैंग को एकदम रेडी कर दिया है ट्रेवर के एयरफील्ड में हेलीकॉप्टर के साथ, जैसी माइकल को ज़रूरत पड़ेगी सारे के सारे गैंग के बंदे आ जाएंगे। बाकी तुम लोग वहाँ देख रहे हो प्रेसिडेंट के मेंशन के बाहर ही गाइस किलर कमांडोस खड़े हुए हैं। तो अभी मेरे को काम क्या करना है, पहले मुझे अपनी इस वाली गाड़ी को लेकर जाना है एंड सीधे ले जाके ना टक्कर मार देनी है, क्योंकि अगर मैं पैदल जाता हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ बढ़ सकती है। वैसे मैंने आर्मर वगैरह पहन रखा है, और अगर मैं यहाँ से लॉन्चर चला देता हूँ तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को सीधे ले जाके गाड़ी को अंदर डाल देना है एंड उसके बाद गन निकाल के भाई तबाही मचानी है, वो भी गंदी वाली। तो पहले एक काम करते हैं ना, गाड़ी को यहाँ लगा के ना बाहर के बंदों को ना लॉन्चर से मारते हैं। वैसे लॉन्चर से नहीं, स्पेशल गन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लॉन्चर से इनका कुछ नहीं होने वाला। तो अभी मैंने अपनी गन निकाली, और गाइस अभी मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, तेरी तो ऐसी की तैसी। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम रीलोड में तो लग रहा है। ओह तेरी, ओ भाई क्या तो भाई मची है तुम लोग, अबे कोई बचा ही नहीं है भाई। एक सेकेंड मेरे को अंदर जाना, इनकी तो ऐसी की तैसी भाई, खेत के टुकड़े हो गए भाई, निकलो यार। ओ भाई तेरी तो, एक निकलो यहाँ से, कोई नहीं बचने वाला, इसकी तो ऐसी की तैसी, कहाँ भाग रहा, निकल यार भाई, ये अभी मरने वाले नहीं है। एक सेकेंड ये ऐसे, एक सेकेंड का ऐसा तो नहीं है जो मैंने यहाँ पे लॉन्चर मारा उससे लोग डैमेज हो गए, तेरी तो निकल। ओ भाई गाइस इन्हें जो बॉडी सूट पहन रखा है वो इससे डैमेज हो रहा है, उठ रहे हैं तेरी दो भाई, तुम लोग तो भाई दिख रहे हो गाइस, कितनी खतरनाक बहन कर तो भाई हो रही है। आ जाओ बेटा भाई, कोई भी नहीं बचने वाला, तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई क्या बंदे आ रहे हो, और भाई आते ही मर जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो भाई जितने भी बंदे थे मैंने लाश बना दिया भाई, सबको मार मार के खत्म कर दिया है। जब मैं स्पेशल गन चला रहा हूँ ना तो भाई, ओ तेरी, एक सेकेंड आ जाओ बेटा, तुम लोगों ने बहुत परेशान किया था, जो भी आएगा ना गंदी तरीके से मरने वाला है। लाशों के ढेर देख रहे हो गाइस यहाँ पे, तुम लाशों के ढेर देखो प्रेसिडेंट के मेंशन पे, तो भाई मचा दिया है। आ जाओ भाई, मुझे टेंशन ही नहीं है भाई, आ जाओ, जो आएगा वो मरने वाला है।
निकलो यहाँ से अपनी जान बचाओ और भागो। तुम लोगों ने जो बॉडीज, ओ भाई देख रहे हो, पांव उड़ के जा रहे हैं, नहीं उड़ के दूसरी साइड चले जा रहे हैं। जो भी गाइस, मैंने किलर कमांडोज को यहाँ पे खत्म कर दिया है। तुम लोग क्या देख रहे हो भाई, बहुत कम बंदे यहाँ पे बचे। और एक सेकंड गाइस, यहाँ पे फ्रैंकलिन मेरे को नजर आ चुका है। एक मिनट, मैंने फ्रैंकलिन को भी तो डैमेज नहीं कर दिया ना। एक मिनट, ओ थ्री, निकल यहाँ से भाई। स्पेशल गन से हेलीकॉप्टर्स को मारना थोड़ा सा मुश्किल है। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो, ये ना बहुत ज्यादा ऊपर चला जा रहा है। एक मिनट, फ्रैंकलिन उठने की कोशिश कर रहा है। हेलो फ्रैंकलिन, तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, जल्दी से इसको उठा दे गाइस, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। एक सेकंड भाई फ्रैंकलिन उठने की कोशिश कर, मैं तेरे को बचाने आया हूँ, तू टेंशन ना ले। यहाँ पे मैंने सारे किलर कमांडोज को खत्म कर दिया है, कोई भी नहीं बचा है। इनके ऊपर ना सरप्राइज अटैक हो गया, इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि मेरे पास ऐसी गन हो सकती है। गाइस मेरे को फटाफट से ऊपर चलना पड़ेगा, मैं फ्रैंकलिन को उठाता हूँ। फ्रैंकलिन जल्दी भाई, जल्दी उठ फ्रैंकलिन, कैसे भी करके उसको उठाता हूँ। फ्रैंकलिन तू ठीक है ना भाई? फ्रैंकलिन अभी होश में आ चुका है। गाइस जल्दी निकलते हैं यहाँ से। फ्रैंकलिन जल्दी आ भाई, जल्दी आ, जल्दी मेरे पीछे आ, मेरे पीछे आ, तू टेंशन मत ले। एक सेकंड गाइस, अभी तो स्पेशल वेपन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी किलर कमांडोज यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। इनकी बॉडी देख रहे हो? फ्रैंकलिन क्या हो गया भाई, इधर आ। फ्रैंकलिन गाइस उठ भी नहीं पा रहा है यार। एक सेकंड, इसको उठाना पड़ेगा। एक सेकंड, माइकल पानी के अंदर कहाँ जा रहा है यार, पानी के अंदर कहाँ जा रहा है, फटाफट से एक मिनट यहाँ तुम लोग देखो, निकलो यहाँ से। फ्रैंकलिन जल्दी उठ भाई, जल्दी निकलना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस आ चुकी है। किलर कमांडोज कुछ नहीं कर पाए, तो यहाँ पे शॉट के बंदे आ रहे हैं। बाकी फ्रैंकलिन ने किसी की गन उठा लिया। फ्रैंकलिन बहुत सी प्रॉब्लम, एक बार गाड़ी में बैठ जाए उसके बाद हम लोग एकदम सेफ हैं। फ्रैंकलिन जल्दी 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 गाड़ी में बैठ आकर, अच्छा रहा मैं अपनी गाड़ी को ले। फ्रैंकलिन बस कर भाई, लड़ना नहीं है। एक मिनट, मैंने उसी को उड़ा दिया। जल्दी भाई गाड़ी में बैठ जल्दी। बहुत सही गाइस, फाइनली मैंने इसको बैठा लिया। और तुम लोग प्रेसिडेंट के मेंशन की हालत देखो, पूरा का पूरा मेंशन ही हम लोगों ने उड़ा दिया है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने इनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर दिया, वो भी बहुत तगड़ा वाला। आ जाओ भाई, आ जाओ, टक्कर मारनी है ना, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन लोग पूरी गाड़ी लेकर आए। आ जाओ आगे, तुम लोग देख रहे हो भाई क्या बुरी तरीके से मैंने इसको उड़ाया। जो भी सामने आएगा सब मरने वाले हैं। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो, पूरा रोड इन लोगों ने खाली करवा दिया है क्या? नहीं, हाईवे मेरे को भाई शॉट के बंदे नजर आ रहे हैं। फ्रैंकलिन तू ठीक तो है ना? फ्रैंकलिन की हालत गाइस काफ़ी ख़राब हो रही है। एक सेकंड, मुझे लगता है कि किलर कमांडोज ने या फिर प्रेसिडेंट ने इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। एक मिनट, निकलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुलिस मेरे पीछे पड़ी रही तो हम लोगों ने पूरी गैंग बना रखी है, मैं अपनी गैंग को बुला लूँगा, गैंग वाले इन सबको ख़त्म कर देंगे। पर अभी मेरे को पता है कि मैं अपनी जान अपने आप बचा। आ जाओ, तुम लोग आगे आ जाओ भाई, गाड़ी रोक लो आगे से आके, तेरी तो निकल यहाँ से। ओ भाई क्या हालत कर दे रहे हो, देख रहे हो गाड़ी में कितना ज़्यादा दम है। जो भी मेरे आगे आएगा ना, एक मिनट यहाँ देखो, रास्ता ब्लॉक कर रखा है ना, कर लो ब्लॉक रास्ता, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऊपर से अभी तो मेरे पास स्पेशल गन आ चुकी है, अभी मैं उतर के इनको मारना स्टार्ट कर दिया ना, इनमें से कोई नहीं बचने वाला है भाई। फटाफट निकलना पड़ेगा गाइस, वो प्रेसिडेंट के मेंशन को उड़ा के ना गाइस, मज़ा सा आ गया भाई। किलर कमांडोज को मैंने ऐसे मारा ना कि वो कुछ है ही नहीं, खिलौने की तरह सबको ख़त्म कर। ओ भाई कहाँ जा रही है गाड़ी भाई, देख रहे हो सीधे उड़ के पानी के अंदर चली गई। एंड यहाँ तुम लोग देखो, दो गाड़ियाँ खड़ी करके इन लोगों ने, निकलो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे कोई नहीं रोक सकता मेरे को, मैं पूरी प्लान के साथ घूम रहा हूँ भाई। हम लोग ने गाइस पूरा प्लान कर लिया था। यहाँ देख रहे हो भाई, ब्रिज को ब्लॉक कर रहे हैं लोग, कभी ऐसे नहीं करते थे, अभी आज ही ऐसा देख रहा हूँ मैं कि चार चार गाड़ियाँ एक साथ में खड़े होकर ब्रिज ब्लॉक कर रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कर नहीं पाओगे, जितने चाहे उतने बंदे लेकर आ जाओ। तो गाइस अभी हम लोग को निकलना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया इन लोगों से लड़ते लड़ते, अभी भागते हैं। अरे हट जाओ, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। लेस्टर को कॉल करता हूँ, अगर लेस्टर कुछ हेल्प कर पाए तो ठीक है। ओ भाई तुम लोग वहाँ देख रहे हो, एक सेकेंड, ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। बहुत सही, फ्रैंकलिन की भी हालत देखनी पड़ेगी यार, उसकी हालत मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रही है। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अबे ये लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, या तो ये खुद पानी के अंदर चले जाएंगे। एक सेकेंड, ओ भाई अपनी गाड़ी कहाँ से गिर गई, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जो कार है ना भाई उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बस पानी के अंदर ना चली जाए, पानी के अंदर चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट, मेरे को इसको ऊपर लेकर जाना है, फटाफट से इसको निकालते हैं।
तो अभी यार काफी देर हो चुकी है पुलिस से भागते भागते, पर पुलिस पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो अभी लेसे ने बोला कि यार एक ही काम कर, माइकल सीधे सैंडी शोर्स आ जाए, वहाँ पे गैंग एकदम रेडी है। तो ट्रेवर भी वहाँ पे आ चुके हैं। मैंने लोग को बोला कि तुम लोग लॉस सैंटोस मत आओ, मैं खुद सैंडी शोर्स आ रहा हूँ, क्योंकि इस वाली गाड़ी से ना आने में भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई लॉस सैंटोस की पुलिस तक यहाँ पे आ गई मेरा पीछा करते करते। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे तो हम लोग पूरी प्लानिंग बना रखी है। ट्रेवर ना गैंग लेकर खड़ा ही होगा, बस गैंग वाले ना पीछे ना हट जाए, अगर वो पीछे हट गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, ओ भाई जितने भी बंदे सामने आ रहे हैं ना सबको उड़ाता हुआ बुरी तरीके से जा रहा हूँ। और यहाँ देखो यार अपनी गाड़ी क्या ही खतरनाक ही बन चुकी है यार, ये गाना सही है बहुत खतरनाक है। तुम्हारी तो ऐसी भाई मेरे को गोली मारोगे, मेरी गाड़ी में एक स्क्रैच नहीं आ रहा है। इन लोगों को ये बात अभी भी समझ नहीं आई। और ये देखो निकल यहाँ से, बाकी मैं पहुँच चुका हूँ लोकेशन पे, आ जाओ यहाँ पे। तुम लोग गाइस यहाँ देख रहे हो, यहाँ ट्रेवर खड़ा है पूरी गैंग लेकर। ट्रेवर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बाकी सारी चीज़ें तेरे को संभालनी है। ओके बहुत सही, तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। ट्रेवर यहाँ जितने भी बंदे आ रहे हैं ना भाई तेरे को संभाल। हेलो ट्रेवर सुन रहा है ना भाई? ओके भाई पिस्टल की ट्रेवर सबको लपेटना है, एक भी बंदा नहीं बचना चाहिए। तुम लोग यहाँ देख रहे हो पूरी गैंग तैयार है भाई पुलिस से लड़ने के लिए। बाकी फ्रैंकलिन को मैं देखो, ओके फ्रैंकलिन भाई बेहोश हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैंकलिन को गाड़ी के अंदर ही रहने दो। बाकी मैं मनी का निकालता हूँ, उसकी तो ऐसी की तसी। पुलिस वाले कहाँ हैं? जहाँ भी पुलिस आएगी ये देखो तेरी तो निकल यहाँ से पुलिस, जो भी पुलिस यहाँ पे आएगी मरने वाले बुरी। ट्रेवर क्या हुआ भाई, क्या हुआ? एक सेकेंड, ट्रेवर स्पेशल वाली गन मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से ट्रेवर को स्पेशल गन देता हूँ। तो अभी मैंने ट्रेवर को यार स्पेशल गन दे दिया। और गाइस तुम लोग क्या देख रहे हो भाई, ये हेलीकॉप्टर्स पे चला रहा है ट्रेवर। हेलीकॉप्टर पे ये काम नहीं करेगी भाई, हेलीकॉप्टर पे मत मार, हेलीकॉप्टर पे ये काम नहीं करेगी। बाकी गैंग वाले तुम लोग देख रहे हो क्या तगड़ी तरीके से अपना साथ दे रहे हैं भाई। यहाँ भाई पूरे में फैले हुए हैं गैंग वाले, दूर दूर तक जा जाकर मार रहे हो। ट्रेवर यो भाई, ट्रेवर देख रहे स्पेशल वाली गन चला रहे, कोई दिक्कत नहीं है चला आराम से, अभी तो अपने पास बहुत बुलेट्स हैं, बस बस आराम से भाई अपने ही बंदे मत मार देना। एक सेकंड भाई अभी पुलिस नहीं आ पाएगी यहाँ तक, यहाँ देख रहे हो लास्ट के ढेर लगे हो, अब आए भाई पुलिस। अब भाई लॉस सैंटोस से यहाँ जितने भी फोर्स आएगी सारी हमारे हाथ से मरने वाली है। और ये तो कुछ भी गैंग है गाइस अपनी, सोचो इतनी बड़ी गैंग है और अगर एक साथ पुलिस को मारने पर आ गई फिर भाई पुलिस ही लॉस सैंटोस से ख़त्म हो जाएगी। और ये ट्रेवर कहाँ चला गया यार स्पेशल गन लेकर, ओ तेरी क्या बवास हो रही है, निकल यहाँ से भाई। यहाँ ना हेलीकॉप्टर्स को तो मैं मिनी गन से गिराने वाला हूँ, स्पेशल गन से मतलब कुछ नहीं होने वाला। यहाँ देखो स्वॉट के बंदे नीचे उतर रहे हैं, निकलो यहाँ से भाई, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से सारे बंदे। इससे तो मैं ऐसे ही क्रैश कराने वाला हूँ, क्रैश हो गया अभी भाई, देख रहे हो ये यहाँ से मार रहे हैं गोली, हद है भाई। मिनी गन चला रहा हूँ मैं, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग को, मैं मिनी गन चला रहा हूँ, हद है। आ रहे आ रहे हो, आए जा रहे हो मरने के लिए। तो अभी धीरे धीरे यहाँ पे पुलिस आना बंद हो चुकी है। और ट्रेवर बोल रहा है कि भाई उस गन को चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, वो गन मैं अपने पास रखूँगा। मैं भाई ट्रेवर को बोल दिया कि वो गन तेरे पास नहीं। और तुम लोग यहाँ देखो गाइस हमारी गैंग के भी काफ़ी ज़्यादा बंदे मर रहे हैं, और वहाँ देखो ट्रेवर की गैंग पूरी लगी पड़ी है। और ट्रेवर बोल रहा है कि अभी तो अपने पास बहुत ज़्यादा गैंग है, ये तो कुछ भी नहीं है, सारे के सारे बंदों को तो बुलाया ही नहीं था, बस थोड़े बंदों को यहाँ पर बुलाया। तुम लोग यहाँ देखो ट्रेवर भी यहाँ पर आ चुके हो भाई, क्या ही गाड़ी उड़ी। और ये देखो नीचे उतर रहे ट्रेवर, ऊपर देख ऊपर देख, ट्रेवर स्वॉट के बंदे नीचे उतर रहे हैं, सारी गैंग वाले उन्हें मारने में लगे हुए हैं भाई। ये हो रही है ना, तो भाई अभी हमारी गैंग बन चुकी है खतरनाक तरीके से, देख रहे हो पुलिस को उतरने नहीं दे रहे लोग हेलीकॉप्टर से, भगा भगा के मार रहे हैं भाई खतरनाक तरीके से। पूरे सैंडी शोर्स में, पूरे सैंडी शोर्स में अभी हमारा ही राज है। यहाँ देखो अपने काफ़ी बंदे मर तो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई ट्रेवर ने लॉन्चर ही निकाल लिया, ट्रेवर में भाई चला इसको मैंने मारो, कोई दिक्कत नहीं। मैं काम करता हूँ ना, मैं अपनी घर अंदर ही रख लेता हूँ, मेरे बॉडीगार्ड्स ही संभाल लेंगे, ये सारे के सारे एक तरीके से मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। यहाँ देखो स्वॉट के बंदों को ना उतरे हुए एक मिनट नहीं होगा, ये उतरने से पहले ही सबको ख़त्म कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक गैंग है भाई। तो अभी यहाँ पे मैंने तो यार गोलियाँ चलाना बंद ही कर दिया। और गाइस जितनी भी यहाँ पे फोर्स आई थी, जितनी भी पुलिस सोट के बंदे थे भाई, अपनी गैंग ने किसी को नहीं छोड़ा। तुम लोग यहाँ देख रहे हो ट्रेवर क्या तबाही मचा रहा है, अभी हमारे हाथों से कोई भी नहीं बचने वाला, एक एक को भाई बुरी तरीके से मार रहे हैं।
बाकी ट्रेवर बस कर यार, बस कर भाई, मुझे पता है तेरे को मजा आ रहा है इसे चलाने में। बस ये अंदर रख ले, और वहां देखो एक और हेलीकॉप्टर क्रैश होने जा रहा है, क्योंकि गैंग वाले ना भाई किसी को छोड़ ही नहीं रहे हैं, सबको गंदी तरीके से मार रहे हैं। इसमें यार देखो हमारा भी काफी नुकसान हुआ है, काफी सारे गैंग के बंदे मर गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी गैंग। और एक सेकंड भाई, यहाँ के गाड़ी वाले कैसे गाड़ियां चला रहे हैं, अपनी गैंग के ऊपर ही एक चढ़ा दिया। और ये गैंग वाले बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, ये तो पुलिस वालों को नहीं छोड़ रहे, मतलब लॉस सांटोस में किसी को भी खत्म कर सकते हैं। तो ड्राइवर एक काम कर भाई, सारे के सारे बंदों को यहाँ से भेज दे, क्योंकि यहाँ पे रहना इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जितने भी लोग घायल हो चुके हैं उनको यार एम्बुलेंस भाई मंगा के यहाँ पे हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट वगैरह कराना है। बाकी वेदर भी देख रहे हो कितना ज्यादा खराब हो चुका। कहाँ जा रहे ड्राइवर पास तुम भाई? जितने भी लोग अपने लिए भाई लड़ रहे थे उन सबको भाई पैसे डबल दे देना, क्योंकि उन लोगों ने काम बहुत ज़्यादा बढ़िया किया है। बाकी गैंग को ऐसे ही बड़ा करता रहे, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है भाई, खतरा तो अभी असली शुरू हुआ है। अभी प्रेसिडेंट को पता लग गया होगा कि स्पेशल वेपन है हमारे पास, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ भाई फ्रैंकलिन को लेकर। फ्रैंकलिन की हालत मेरे को ना थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, बाकी यार अपनी गाड़ी का भी ना कुछ करना पड़ेगा। उस गाड़ी को अभी सारे लोग पहचान रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस गाड़ी को प्रेसिडेंट के घर में घुसा दिया, मिलिट्री बेस में लेकर चले गए, तो अभी हर कोई उस गाड़ी को पहचानता है। इसीलिए उस गाड़ी को भी कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड रखना पड़ेगा, वो रही अपनी कार। बाकी जो अपना स्पेशल वेपन है वो यार ड्राइवर के पास ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे बाद में ले लूँगा, बस वो उसका गलत यूज़ ना करे। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, और फ्रैंकलिन अंदर ही है गाइस। फ्रैंकलिन की हालत भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसको मेरे को हॉस्पिटल भी पहुँचाना पड़ेगा। ओके, तो मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। बाकी यहाँ देखो ट्रेवर की गैंग चारों तरफ फैली हुई है, पर अभी वो किसी गैंग मेंबर से बात कर रहा है। ओके, बहुत सही, तो फटाफट से अपन लोग यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले ना फ्रैंकलिन को मेरे को हॉस्पिटल पहुँचाना है, और मेरे को ना इसे पलीटो लेकर जाना पड़ेगा, कैसे भी करके पलीटो इसे पहुँचाना है, इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। एंड मैं तो सोच रहा हूँ कि रास्ते से ना यार गाड़ी चेंज कर ली जाए, क्योंकि इस गाड़ी को ना अभी हर कोई पहचान रहा है। तो मुझे ना, मैं एक काम करूँगा ना, पलीटो में जो मैकेनिक है उसी के पास ये गाड़ी खड़ी कर दूँगा, अगर वो कलर चेंज कर पाया। फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं पलीटो पे। तो अभी मैं फ्रैंकलिन को लेकर यार पलीटो पे पहुँचने वाला हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार फ्रैंकलिन को हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, एंड उसके बाद अपन लोग चलेंगे मैकेनिक की शॉप पे। और एक सेकेंड गाइस, देखो पुलिस की गाड़ी का सायरन आ, एक सेकंड मेरे पीछे आ रहा है क्या? एक सेकंड गाइस, एक पुलिस की गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ चुकी, मेरे पीछे ही है ना पक्का। एक मिनट गाइस, ये मेरे पीछे आ रहा है भाई, इससे मेरे को लग रहा है आते हुए रास्ते में भाई मेरे को निकलना पड़ेगा। एक सेकंड गाइस, गाड़ी का ना अभी या तो कलर चेंज करना पड़ेगा, या फिर गाड़ी को कुछ टाइम के लिए मेरे को अंडरग्राउंड करना होगा, क्योंकि मैं हाईवे पे आराम से आ रहा था, पर इस पुलिस वाले ने शायद मेरी गाड़ी का कलर पहचान लिया। और एक सेकेंड, मैं भी इसको चकमा देने वाला हूँ बहुत बुरी तरीके से, मैं इसकी गाड़ी में टक्कर मार के इसकी गाड़ी को डैमेज कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है ना उसकी वो बहुत ही तगड़ी। आ जा बेटा यहाँ से आ रहा है, एक मिनट आ जा, तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से, इसको तो मैं पानी में फेंक दूंगा। ओ तेरी, तुम लोग यहाँ देखो, इसको तो पानी में ले जाके फेंकता हूँ मैं, पानी में ले जाके फेंकता हूँ इसको तो मैं। आ जा तेरी, तो निकल यहाँ से, टक्कर मारते मारते इसको तो मैं पानी के अंदर, निकल यहाँ से भाई, गाड़ी भी पानी में डाल दी और पुलिस वाला भी यहाँ पे गया, मेरा पीछा करेगा, हद है भाई। ये गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक, पर यार इसके कलर की वजह से अभी हर कोई इसे पहचान रहा है, तो गाड़ी का मेरे को कलर चेंज करवाना ही पड़ेगा, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसी मैं इसको चलाता रहा तो भाई पुलिस मेरे को पक्का पकड़ लेगी। तो पहले एक काम करते हैं, फटाफट से यार मैकेनिक से बात करते हैं, और मैकेनिक से मैं पता करता हूँ इस गाड़ी का अगर यहाँ पे कलर चेंज हो जाए तो बहुत ही सही रहेगा। एक काम करते हैं, पहले गाड़ी को अंदर लगाते हैं, मेरे को गाड़ी को अंदर लेकर जाना है। बहुत सी जल्दी गेट खोलो। बहुत सही, फटाफट से मैकेनिक के पास चलते हैं। ओके, तो जल्दी से मैकेनिक से चल के बात करते हैं। ओके, तो गाइस ये रहा मैकेनिक। हेलो, एक सेकंड यार, ये तो कोई और बंदा लग रहा है भाई, ये मैकेनिक नहीं है। एक सेकंड, इससे बात करनी पड़ेगी, ये कौन है? तो अभी मेरी इस बंदे से बातचीत हो गई, और ये मेरे को बोल रहा है कि यार ये यहाँ का नया मैकेनिक है, जो पुराना मैकेनिक है वो यहाँ से जा चुका है, उसने काम छोड़ दिया, तो ये नया मैकेनिक आया है। कोई दिक्कत नहीं यार, मेरे को तो अपनी गाड़ी का कलर चेंज करवाना है, तो भाई ये खड़ी है मेरी गाड़ी, मुझे इस गाड़ी का कलर चेंज करवाना है, पर जल्दी से जल्दी। और इस गाड़ी में ना मैंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, तो मुझे ना इसमें वैसे पूरा ब्लैक कलर चाहिए, अगर ये ब्लैक कलर की हो गई तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और पैसे की कोई टेंशन नहीं है भाई, जो तुम्हारा ऑनर है ना उससे मेरा नाम ले देना, ऐसे ही काम हो जाएगा। बस भाई मेरे को जल्दी से बताओ कि गाड़ी का कलर चेंज होगा या नहीं होगा। तो अभी मैकेनिक ने यार गाड़ी को अच्छे से देख लिया, और मैकेनिक बोल रहा है कि यार ये गाड़ी का कलर तो चेंज कर देगा,
पर ये बोल रहे हैं कि यार ये गाड़ी ना ब्लैक कलर होने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर जो आरजीबी लाइट है तुम लोग को यहाँ नजर आ रही है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़िया लाइट है। और मैकेनिक बोल रहा था कि इसने भाई ऐसी गाड़ी पहले कभी नहीं देखी है, ये पहली ऐसी कस्टमाइज गाड़ी है, तेरे को भाई बढ़िया लगी ना, तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई, इस मैकेनिक को भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो ये बोल रहा है कि कलर चेंज तो कर देगा पर कुछ और कलर कराएं, ब्लैक ना कराएं। ब्लैक कलर कराने के बाद एकदम नॉर्मल सी लगने वाली है और जो आरजीबी लाइट है ना वो भी बढ़िया आने लगेंगी। तो गाइज मेरे को कोई कलर समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग मेरे को कॉमेंट में बताना कि मुझे गाड़ी में कौन सा कलर कराना चाहिए जो इस गाड़ी पे सूट करे। बाकी इस गाड़ी पे थोड़े डिजाइन वगैरह भी है, तुम लोग यहाँ देखो फूल वाले डिजाइन है जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया लगते हैं एंड कलर ना शाइन होता है। तो मैकेनिक बोल रहा है कि यार अगर गाड़ी रिपेयर करवानी है तो 3-4 दिन के लिए छोड़ के जानी पड़ेगी। ओके, तो मैकेनिक मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, मैंने इसको अपना नंबर वगैरह दे दिया है, फटाफट से चलते हैं। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर किया जाए, तो मैं अभी गाड़ी को तो नहीं छोड़ने वाला, मैं बाद में गाड़ी को यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा, ये मैकेनिक कलर कर देगा जब मैं डिसाइड कर लूंगा। पर अभी मेरे को हॉस्पिटल फ्रैंकलिन को लेकर जाना है, मैंने फ्रैंकलिन को वैसे उठाया था, फ्रैंकलिन होश में तो है, बस उसकी हालत ख़राब है, उसको खाना वगैरह इन लोगों ने नहीं दिया है और काफ़ी ज़्यादा पीटा है। तो मुझे फ्रैंकलिन को बस एक बार ट्रीटमेंट वगैरह करा के ठीक कराना है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैं आ चुका हूँ, हॉस्पिटल है कहाँ पे, इद्दी कहीं पे ना। ओके, तो गाइस ये रहा हॉस्पिटल। फटाफट से पहले मैं अपनी गाड़ी को पीछे के साइड लगाता हूँ चल के। ओके, बहुत सही, और फ्रैंकलिन को उठाते हैं। ओके, तो गाड़ी को मैंने यहाँ लगा दिया, जल्दी से फ्रैंकलिन को उठाते हैं। और एक से भाई ये कौन है भाई, बच गया, देख रहा हूँ यहाँ से गाड़ी लेकर गया, अगर ये स्क्रैच मार देता ना एक भी, भगा भगा के मारता मैं इसको। तो फटाफट से फ्रैंकलिन को उतारता हूँ। तो अभी मैंने फ्रैंकलिन को यार उठा लिया और फ्रैंकलिन की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, पूरी बॉडी में इसके भाई चोटी चोटी लगी हैं। फ्रैंकलिन तू टेंशन ना ले भाई, तेरा ट्रीटमेंट वगैरह अच्छे से हो जाएगा। बाकी फ्रैंकलिन को पता नहीं है मैंने प्रेसिडेंट के मेंशन पे कैसी दवाई मचाई थी, क्योंकि ये ढंग से होश में नहीं था, बस इसे मैं जैसे तैसे लेकर आ गया। अबे यहाँ जा रहा है अंदर, फ्रैंकलिन फटाफट से अंदर चले जा। वैसे यहाँ पे ना अभी लंच टाइम चल रहा होगा और तुम लोग यहाँ देख रहे हो कोई पेशेंट ही नहीं है, बस यार रिसेप्शन पे कोई मिल जाए, क्योंकि लंच टाइम चल रहा होता है ना तो कोई भी नहीं होता है, देखो चल के देखना पड़ेगा। ओके गाइज, मुझे लग ही रहा था भाई कोई भी नहीं है यहाँ पे, अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मेरे को डॉक्टर को कॉल करके बुलाना पड़ेगा। तो फ्रैंकलिन एक काम कर दूँ, अंदर ना भाई बेड पे जाके लेट जा, मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ और तेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा, तू टेंशन ना ले, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी अच्छा है कि यार पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली है, अभी फ्रैंकलिन का इलाज आराम से हो जाएगा। मैं फ्रैंकलिन को यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ, छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन के भाई ऊपर अटैक वगैरह हो सकता है। तो अभी मेरे को डॉक्टर को भी कॉल करना है, डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर फ्रैंकलिन का अच्छे से ट्रीटमेंट करा हैं। बाकी गाइस इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग को मजा आया, अगर मजा आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है तो वीडियो का बेस्ट पार्ट मेरे को कमेंट में जरूर बताओ, और हाँ जो भी कमी वगैरह लगती है ना वो भी कमेंट में बता दिया करो यार। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहां पे मैं जल्दी जल्दी वीडियो के अपडेट देता रहता हूँ, और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।